अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज रियान अदनान के चैनल पर बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे चैनल पर हमारे किचन में बन रहा है चिकन पास्ता विद वाइट सॉस। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मैं इस तरीके से बनाती हूँ। चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने पास्ता ले लिया था, इसको मैंने आम तरीके से बॉईल कर लिया है 7-8 मिनट। फिर इसको स्ट्रेन कर लिया था और ठंडा पानी इसमें से गुजार दिया था और थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको मिक्स कर लिया, हिला लिया है इसको। अब ये मैंने एक पैन रखा, उसमें एक टेबल स्पून भर के लहसुन गार्लिक उसको बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया है। अब मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। चिकन ये देखें, जैसे हमारा पास्ता है ऐसे ये लंबा लंबा मैंने काटा है। ये एक प्याली के करीब है, इसको मैं डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको इसका पानी खुशक होने और कलर चेंज होने तक पकाऊंगी। ये देखें, इसका कलर चेंज हो गया है और इसका पानी भी खुशक हो गया है। अब मैं इसमें ये एक हरी गाजर थी मेरे पास, उसको मैंने लंबा काट लिया और ये शिमला मिर्च के कलर की इसको काट लिया और ये थोड़े से मटर है, इसको मैंने हल्का सा बॉइल किया था और ये दो हरी मिर्चियाँ हैं, इनको मैं इसमें डाल दूँगी। पहले गाजरों को डालूँगी। इसको 3 से 4 मिनट मैं भून लूँगी। थोड़ा सा इसको हल्की सी नरम हो जाए गाजरें, तो मैं इसमें शिमला मिर्च और मटर डाल दूँगी। अब मैं इसे मिक्स कर दूँगी। ये 1 टीस्पून चीनी है, ये मैं डाल दूंगी। इससे जायका भी बहुत अच्छा बनेगा और वेजिटेबल्स का कलर भी ठीक रहेगा, ख़राब नहीं होगा। ये 1/2 टीस्पून ये थोड़ी सी ये मैं डालूंगी। नमक डाल दूँगी, इसे मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। ये मैंने इसके अंदर ब्लैक चने भी शामिल किए हैं, ये ऑप्शनल है। ये डालकर भी बहुत मज़े की बनती है। इसी पैन से मैंने वो गाजरें वगैरह निकाल दी और इसमें थोड़ा सा ऑयल और मक्खन डाल दिया है। इसको मेल्ट करेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून मैदा डालकर उसको भूनेंगे। ये मैंने मैदा अच्छी तरह भून लिया है। अब मैं इसमें 1 से 1.5 कप दूध शामिल करके इसकी वाइट सॉस बना लूँगी। दूध मैंने इसमें शामिल कर दिया है, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जब इसके ये लम्स गुठलियाँ वगैरह ख़त्म हो जाएंगी, स्मूथ पेस्ट बन जाए, तो ये सॉस तैयार होगी। इसमें हम मिर्चें ब्लैक वाली और थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। इसमें मैंने 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून ब्लैक मिर्चें डाली हैं। अगर आपके पास वाइट मिर्चें हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं थी तो मैंने ब्लैक डाली हैं। अब इसको मज़ीद क्रीमी करने के लिए ये चेडर चीज़ है, ये डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको ये भी मैं डाल लेती हूँ और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मैंने मिक्स कर ली है। अब इसके अंदर जो ये वेजिटेबल्स और चिकन बनाया था ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे।
फिर इसके अंदर जो पास्ता है उसको मिक्स करके शामिल करेंगे। मैं सर्व करके बताती हूँ, कर लूंगी हल्के हाथ से। जब ये मिक्स हो जाएगा तो थोड़ा सा इसमें ओरिगानो भी हाथ से क्रश करके डालेंगे। ये ओरिगानो, ये देखें, खुशबू के लिए और जायके के लिए ये डाल दूंगी इसके अंदर और मिक्स करूंगी और फिर सर्व करती हूँ। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बना है। रहीम, अब मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा तैयार हुआ है। मैं इसको सर्व करूँगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये मैं सर्व कर लूँ तो दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह हमारा क्रीमी पास्ता तैयार हो गया है विद वाइट सॉस के साथ। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाएं, तो इंशाल्लाह आप बार बार बनाएंगे। मैं इस तरीके से बनाती हूँ, बहुत ही मज़ेदार बनता है। चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।